यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं माइनक्राफ्ट 5 पिक्सल मतलब कि मैजिक स्काई ब्लॉक के एपिसोड नंबर 1 पर। इससे पहले गाइस मैं एक सीरीज स्टार्ट किया था मैजिक स्काई ब्लॉक का, बट गाइस उसके बाद ही सर्वर ऑफ हो गया था। तो आज गाइस हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैजिक स्काई ब्लॉक के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग गाइस यहां पर आने वाले वीडियो में बहुत सारे ग्लिच वगैरह भी इसमें है, जो कि अनलिमिटेड मनी वगैरह ग्लिच वगैरह ये सब चीज़ गाइस मैं बताने वाला हूँ। होपफुली गाइस तब तक काम करे, इनकेस अगर वो फिक्स हो जाता है तो फिर गाइस मैं बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं जब ओवरव्यू किया था तो थोड़ा बहुत मिनियन वगैरह लगाया था। ओके, तो अब हम लोगों का बारी है गाइस सबसे पहले तो ये आइलैंड को क्लीन करने का। सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पर डर्ट वगैरह जो है वो लगा देता हूँ, और इसके बाद गाइस बाकी कोबलस्टोन वगैरह ये सब चीज़ गाइस अभी हम लोग क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का जो आइलैंड है वो थोड़ा सा अब अलग दिखने वाला है। ओके, और यहाँ पर गाइस मिनियन के अलावा मेरे पास लावा वगैरह है, मैं कोबलस्टोन जनरेटर वगैरह बना सकता हूँ। और इसके साथ गाइज इस सर्वर में एक चीज़ आपको ध्यान देना, अगर आप सपोज कुछ पिकेक्स वगैरह परचेज करते हैं या फिर स्पेशल कुछ पिकेक्स हो गया, सॉड वगैरह या फिर सोवेल कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैजिक स्काई ब्लॉक में अब देखने को मिल जाएगा लावा वाला पिकेक्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सपोज दैट बनाते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना गाइस कि यहाँ पर ये आइटम जो है, टूल जो है वो ब्रेकेबल है, यानी कि इसका एक लिमिट है, इसके बाद ये टूट जाता है। तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। हाईपिक्सल में क्या होता था कि गाइस आप अनलिमिटेड कुछ भी यूज़ करो वो, लेकिन गाइस इसमें ऐसा नहीं है, ये टूट जाने वाला है। तो होपफुली गाइस जो भी बंदे खेलते हैं उनको ये आइडिया होगा, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो प्लीज़ गाइस एनविल वगैरह में जाके उसे रिपेयर कर देना। अभी तो मेरे पास गाइस नॉर्मल कोबलस्टोन वगैरह है, तो इस वजह से मैं अभी कोई भी रिपेयर वगैरह करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर गाइस पेड़ वगैरह की बात करें तो मैं जो है वो देख लो वुड वगैरह यहाँ से ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी भी गाइस यहाँ पर ये जो इसका लीफ वगैरह था वो गाइस अभी भी पड़ा हुआ है। पता नहीं ये पत्ती गिर क्यों नहीं रही है, मुझे लगता है गाइस मुझे मैनुअली इसे हटाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बगल में एक और ट्री है गाइस, इसे भी हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, मतलब उसका भी जितना भी यहाँ पर वुड वगैरह है वो सारे चीज़ हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और साथ ही साथ देखो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर करोगे आप लेवल अप हो जाओगे, जैसे कि सपोज दैट मिनियन एक गाइस यहाँ पर कोबलस्टोन मिनियन लगा हुआ है, वो जैसे ही माइनिंग बढ़ेगा, मतलब एक लिमिट होता है, ठीक है, उससे जैसे ही वो माइनिंग करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, वैसे गाइस माइनिंग को अगर आप सपोज दैट बढ़ाना चाहते हैं मिनियन का लेवल तो आप बढ़ा सकते हैं मैनुअली पैसा देके, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप ऐसे ही रख देते हैं मिनियन को तो वो माइनिंग करते करते भी ऑटोमेटिक जैसे हम लोग लेवल अप होते हैं ना गाइस, वैसे लेवल होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि बहुत सारे बंदों को पता होगा, इसमें पिंग का थोड़ा सा दिक्कत है गाइस। अगर आप कुछ चीज़ जैसे पीवीपी वगैरह करते हो या फिर ज़ॉम्बी वगैरह से फाइट लेते हो तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है, कुछ भी चीज़ वर्किंग जो है वो थोड़ा सा डिले काम करता है, बट कोई ना मैनेज कर लेंगे। वैसे गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ये एपिसोड आपको कंटिन्यू चाहिए तो। ओके, और साथ ही साथ लाइक टारगेट की बात करें तो गाइस आपका अपना मर्जी से रख देना। ओके, अगर अच्छा लाइक आया तो मैं इसका नेक्स्ट वाला एपिसोड भी जल्द ही लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं डर्ट वगैरह लगा रहा हूँ, मेरे पास देख लो लिमिटेड डर्ट है, वैसे मैं चाहूँ तो परचेज वगैरह भी कर सकता हूँ। और इसके साथ ही कोबलस्टोन की बात करें तो कोबलस्टोन भी हमें आसानी से मिल जाएगा, लावा वगैरह भी हम लोगों के पास है, वाटर तो अनलिमिटेड है गाइस, उसका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो देख लो गाइस मेरा यहाँ पर क्लीन हो चुका है, अब गाइस यहाँ पर सैपलिंग लगाने की बारी आ चुकी है। अगर हम पेड़ वगैरह नहीं लगाएंगे तो फिर गाइस दिक्कत हो जाएगा। वैसे मेरे पास अभी सिंगल एक ही मिनियन है, तो मैं जल्दी से गाइस यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देख लो थोड़ा सा क्लियर हो चुका है, और अब गाइस यहाँ पर मैं सैपलिंग वगैरह लगा देता हूँ। इसके साथ ही मिनियन इन्वेंट्री की बात करें ना गाइस, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं मिनियन को, और साथ ही जैसे कि मैं आपको बोला मिनियन जैसे जैसे माइनिंग करते जाएगा वैसे वैसे गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कोबलस्टोन मिनियन ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ओके,
और साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो एक रास्ता बनाया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई किया था बट लेक के चलते नहीं हुआ, तो उसे गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ, पोर्टल टू मेरा आइलैंड मिनी, यहाँ पर जो आप रास्ता बोल सकते हैं छोटा वाला। बाकी यहाँ पर मिनियन रेसिपी की बात करें, सभी मिनियन तो गाइस यहाँ पर है, लेकिन गाइस मुझे उसके लिए सामान चाहिए तभी जाके मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल वगैरह कुछ नहीं था, मैं जल्दी से बना देता हूँ। इसके साथ ही मेरे पास डायमंड था, तो गाइस मैं फिलहाल अभी के लिए गाइस एक चेस्ट प्लेट बना देता हूँ गाइस। और इसके साथ गाइस में कोबलस्टोन है, तो कुछ टूल वगैरह जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। टूल वगैरह अभी काम देने वाला है, तो मैं जल्दी से गाइस यहाँ पर माइन वगैरह जा रहा हूँ। वैसे गाइस यहाँ पर अभी शुरुआत में माइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। पहली बात तो गाइस आप लेग वगैरह वो तो फेस करेंगे ही, वो कॉमन है गाइस, वो आप मैनेज करना ही होगा आपको। इसके साथ ही गाइस मेरे पास ये कोबलस्टोन पिकेक्स है, तो आपको भी पता है गाइस कोबलस्टोन से यहाँ पर थोड़ा सा डिले होगा गाइस, तो अब क्या कर सकते हैं गाइस, फिलहाल अभी के लिए तो यहाँ पर काम हमें चलाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से गाइस मैं यहाँ पर कॉल वगैरह कलेक्ट करता हूँ कोबलस्टोन, और इसके साथ ही मैं आयरन वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ट्राई किया गाइस कि पिकेक्स से मतलब कि कोबलस्टोन पिकेक्स से क्या यहाँ पर गोल्ड वगैरह निकाल सकते हैं, जैसे कि मुझे पता था नहीं होगा, लेकिन मैं एक ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पर गोल्ड वगैरह आप निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा किया, देखो थोड़ा सा दिक्कत यही हो रहा है हर समय, माइनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, बट गाइस अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर माइनिंग किया हम लोग, काफ़ी ज़्यादा माइनिंग किए, तो यहाँ पर माइनिंग मुझे एक्चुअली बनाना था, यहाँ पर एक कॉल मिनियन बनाना था ओके, और इसके बाद आयरन वाला मिनियन बनाना था। लेकिन गाइस मैं उतना ज़्यादा तो ग्राइंड नहीं किया, एक लिमिटेड किया, ठीक है। मैं क्या सोचा ना कि मेरे पास गाइस अभी मतलब टूल वगैरह बनाने के लिए बस गाइस आयरन चाहिए, ठीक है। मैं आयरन से पहले टूल बनाऊंगा और इसके बाद गाइस अगेन यहाँ पर माइनिंग करने आऊँगा, ओके। और साथ ही साथ मुझे कुछ बैकअप में आयरन रखने होंगे, क्योंकि गाइस अगर सपोज दैट जो है टूल वगैरह मान लो टूटने वाला है, तो मुझे गाइस उसे रिपेयर वगैरह भी करना होगा, ऑटोमेटिक रिपेयर वगैरह तो होता है नहीं, तो मुझे मैनुअली खुद से करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा माइनिंग वगैरह जो है वो हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं अपने बेस पर, यानी कि स्काई ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग गाइस यहाँ पर आ चुके हैं स्काई ब्लॉक के अंदर। अब गाइस मैं जल्दी से एक फर्नेस बनाता हूँ गाइस, फर्नेस से आयरन वगैरह मेल्ट करेंगे, इसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर बनाते हुए ना गाइस जाने वाला हूँ फिर से माइनिंग करने। यहाँ पर बाकी कस्टम रेसिपी की बात करें तो रेसिपी गाइस अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो गाइस यहाँ पर डायमंड वगैरह पिकेक्स, तो भाई इतना हैवी पिकेक्स है ना, बोल्डर पिकेक्स भाई साहब, बहुत खतरनाक पिकेक्स है भाई साहब, बोल्डर पिकेक्स लावा क्या क्या भाई, सच में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ड्रैगन पिकेक्स भाई साहब, फ्लेम पिकेक्स, और ये पिकेक्स यहाँ पर देखना होगा गाइस कि इसका डैमेज वगैरह मतलब कि माइनिंग मतलब जब हम लोग माइन करेंगे तो पिकेक्स कितना स्पीड काम देगा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ गाइस यार दे देना, या फिर तो आप मुझे गाइस ज़रूर बता देना कि मैं कितना स्पीड से इसे तोड़ सकता हूँ। कोई ना गाइस, हम लोग को यहाँ पर ग्राइंड करना पड़ेगा तभी जाके हमें यहाँ पर पिकेक्स मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर एक इंसिडेंट ये हुआ कि गाइस मैं यहाँ पर मिनियन वगैरह अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था, आयरन वगैरह मैं मेल्ट कर दिया, और तभी गाइस गलती से मेरा जो इंटरनेट है वो गाइस डिसकनेक्ट हो गया। डिसकनेक्ट हो जाने के बाद मैं अगेन गाइस यहाँ पर आया, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं आया मेरे इन्वेंट्री पर मिनियन वगैरह देखने को मिला, तो मैं समझ गया मेरा स्काई ब्लॉक गाइस रिसेट हो चुका है। तो अगर आप भी ये इशू फेस किए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ऐसा कैसे हो सकता है। गाइज मैं जस्ट भाई साहब मेरा इंटरनेट चल गया, मैं एग्जिट हो गया गेम और अगेन रीजन जैसे किया भाई, मेरा वर्ल्ड सेव ऑटोमेटिक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, और ना कि मेरा आइलैंड भी डिलीट हो गया। पता नहीं गाइज अगर आप कुछ सॉल्यूशन इसका जानते हैं तो ज़रूर मुझे बताना। तो यहाँ पर हम लोगों का जितना भी मेहनत था वो सारा का सारा पानी में बह चुका है।
कोई बात नहीं गाइस, हम लोग अगेन फिर से ग्राइंड करने वाले हैं। जीरो से शुरू किए थे गाइस, यहाँ पर अगेन हम लोग जीरो पर आ चुके हैं। कोई बात नहीं, वैसे ये एपिसोड आपको कैसे लगा आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं मैजिक स्काई ब्लॉक के एपिसोड नंबर 2 पर। अभी के लिए गाइस गुड बाय एंड लव यू ऑल।